जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतम गदधारा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। प्यारे भक्तों और सजनों, मैं श्रीमान कृष्णा किशोरदास आप तमाम श्री भक्तों के श्री चरणों में प्रणाम पेश करता हूं। प्यारे भक्तों, भगवान जिनका स्वरूप सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद स्वरूपायम विश्व तत्यम दित्वहे तहन पत्र विनाशाय श्री कृष्णम वयम नमो। तो भगवान का तत्व ही सच्चित आनंद है और भगवान की शक्ति भी सच्चित आनंद है और भगवान के भक्त भी सच्चित आनंद होते हैं। ईश्वर लीला, ईश्वर महिमा, ईश्वर आराधना, ईश्वर भक्ति करने के लिए और ईश्वर के आदेश को सब जीवों को देने के लिए भक्त जन्मी इस भूलोक में अवतार धारण करते हैं। उन्हीं भक्तों में एक महान भक्त है, अरे जिनका नाम है श्री मुकंदा दास जी। आज हम आपको भक्तराज शिरोमणि श्री मुकंदा दास जी की पवित्र कथा का वर्णन करेंगे। देखें, ऐसे पवित्र भक्तों के चरित्र सुनने से आप में उनकी महानता कानों के द्वारा हृदय में जाती है और आपका हृदय पवित्र हो जाता है। यह है भक्तों का चरित्र, महान भक्तों का। लेकिन भक्त चाहे वो छोटा हो या बड़ा, भक्त तो भक्त ही होता है और श्री कृष्ण का प्यारा होता है। क्यों? श्री कृष्ण का प्यारा है तो कृष्ण भावना भवित भक्त बना। जब वो भक्त है तो वो कृष्ण का प्यारा है और कृष्ण की नजर में है। तो ऐसे पवित्र भक्तों के चरित्र को सुनने से हमारे हृदय के अपराध होते हैं, हमारे हृदय पवित्र हो जाता है। कुछ भक्तों का कहना है कि गंगा तो सबके पाप धोती है। अरे जब तो गंगा गंदी हुई, ऐसे लोगों का कहना है कि गंगा सबके पाप धोती है, गंदा तो गंदी हो गई। लेकिन माना गंगा जी सबके पाप धोती है और गंगा मेली हो जाती है, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि बड़े बड़े महान संत ऋषि वैष्णव जन भक्त जन इन्हें गंगा जी में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे तो खुद हरि नाम के स्नान से हर वक्त नहाते रहते हैं और अपने आप को हरि नाम से पवित्र करते रहते हैं। उन्हें क्या आवश्यकता कि गंगा जी में स्नान करने की। लेकिन ये जो पापी जीव गंगा में स्नान करते हैं और गंगा को मेली कर देते हैं, ऐसे पवित्र भक्त वैष्णव जन जब श्री गंगा में स्नान करते हैं तो उस गंगा में जो मेलता होती है उसे पवित्र कर देते हैं, साफ कर देते हैं। ये है भगवान के महान भक्त वांचा कल्पत्रु भेवचम कृपा सिंधु अहेवचा पतित नाम पावने भयो वैष्णव भयो नमो नमः। पतित जनों को पवन करने वाले महान वैष्णव भक्तों की जय हो।
अब हम आपको श्री राधा नयना नंद मंदिर की कथा सुनाते हैं जो कि ब्रज धाम में है। श्री राधा नयना नंद ये सुरमा कुंज वृंदावन में निधि वन के पीछे यानी के पत्थरपुरे में स्थित है। कुंज पत्थरपुरे में स्थित है। यहीं पर श्री राधा रानी द्वारा श्री राधा नयना नंद जी भगवान विराजमान हैं और श्री मुकंदा दास जी के द्वारा यहां पर भगवान की विग्रह की स्थापना की गई है। आज हम ऐसे महान वैष्णव के चरित्र को सुनते हैं। श्री राधा नयना नंद मंदिर की कथा। श्री मुकंदा दास जी का जन्म 1640 में मुल्तान में धनी परिवार में हुआ था। अब बात आती है मुल्तान। ये जो मुल्तान है ये पाकिस्तान के पंजाब सूबे में स्थित है मुल्तान, और इन्हें भगवान गोविंद ने सपने में दर्शन दिया। क्या बात है, सपने में दर्शन किया, आ जाओ भाई श्री वृंदावन में। मुकंदा दास जी ने घरबार त्याग दिया, धनी परिवार ही थे, सब कुछ त्याग कर ब्रजधाम श्री वृंदावन को अपनी यात्रा आरंभ की और श्री वृंदावन धाम पहुंच गए। और जब वृंदावन धाम पहुंचे तो आकर श्री कृष्ण दास कवि राज गोस्वामी के शिष्य बनकर वे श्री कृष्ण भावना में लीन हो गए। और एक बार श्री मुकंदा दास जी श्री राधा गोविंद पूजा दर्शन का संकल्प लेकर अन्न जल सब त्याग कर केवल ब्रजराज, ये जो ब्रज की खाक है, इसको खाकर ही अपना पालन पोषण करते थे और हर वक्त रोते रहते थे उस युगल रूपी दर्शन के लिए कि मुझे वो युगल रूपी सरकार के दर्शन हो जाए। यही मन में भावना करते हुए रोते ही रहते थे कि मुझे ब्रजनाथ कब दर्शन देंगे, अपने कब देंगे दर्शन। ब्रजनाथ है, ब्रज में तो वासी है। रोते 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 इतने कमजोर हो गए, इतने कमजोर हो गए कि अब तो सांस निकलने वाली है, अब तो सांस निकलने वाली है, पर सांसों की माला पर रटते हैं श्री राधा। सांस एक एक सांस की, एक एक सांस उनकी निकलने वाली है और श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे यही नाम की रट लगाए रखे हैं। अब बस शरीर जाने ही वाला था। अरे कृपा मही करुणा मही श्री किशोरी जू, जो कि श्री किशोरी जी करुणा मही है, करुणा मही है। अरे श्री राधा रानी तो भक्तों को श्री कृष्ण जी से मिलाती है, खुद तो कितने करीब लेकिन इतनी दूर ही रहती है, लेकिन उन्हें आनंद आता है कि जब श्री कृष्ण प्रेममयी जीव श्री कृष्ण भक्त उनसे मिलने की आशा करता है तो श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण से मिला देती है। जब ही तो हम कहते हैं कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका अर्थ ए भगवान श्री कृष्ण की पुरकशिश आनंदमयी शक्ति श्रीमती राधा रानी हमें भगवान श्री कृष्ण की शरणगति में जगा दे दो। करुणामयी से देखा नहीं गया भक्त मुकंदा का हाल, अरे गद गद आंखों से आंसू बहाते हुए रोने लगी और श्री केशव से कह दिया, अरे ब्रजनाथ जी क्या आपने
मुकंदा को श्री वृंदावन में मरने के लिए बुलाया था। श्री कृपामयी किशोरी जी के शब्दों को सुनकर भगवान ने कहा, अरे तुम्हारी कृपा के बिना मैं क्या किसी को वरदान दे सकता हूं? अब तो मुकंदा पर तुम्हारी कृपा हो गई, अब तो उसे कोई ही नहीं बचा सकता मेरे दर्शन से। अरे कोई कुछ भी कर ले, अब तो मैं उसे दर्शन देके ही रहूंगा। इस तरह कहकर भगवान ने राधा रानी के आंसू को पोंछे और कहा कि प्रिय चले हम मुकंदा को दर्शन देने चलते हैं। और जब प्रभु मुकंदा को दर्शन देने के लिए गए हैं और मुकंदा से कहा कि उठो मुकंदा, हम तुम्हें अपना दर्शन देने आए हैं, मुकंदा ने गदगद वाणी में रोते हुए कहा कि प्रभु मैं आपको देखूं ही कैसे, मेरे तो आंखों के रोशनी ही नहीं है, अरे मैं तो नेत्रहीन हूं, ए प्रभु मैं आपको कैसे देखूं। जब किशोरी जी ने ये शब्दों को सुना, ये पवित्र वाणी मुकंदा दास की सुनी, किशोरी जी ने फौरन सुरमा लाया और मुकंदा की आंखों में लगा दिया। जैसे ही श्री किशोरी जी ने मुकंदा की आंखों में सुरमा लगाया, मुकंदा के नेत्रों की रोशनी दोबारा आ गई और मुकंदा ने श्री युगल मूर्ति श्री राधा गोविंद का दर्शन किया। तो प्यारे भक्तों और सजनों, यह है हमारी किशोरी जी, यह है किशोरी जी हमारी जो मुकंदा पर इतनी कृपा करी। भला ऐसे परम पुरुष और ऐसी श्रीमती राधा रानी के होते हुए भला कोई भक्त किसी बाधा में और किसी तकलीफ में फंस सकता है? कभी भी नहीं। इसीलिए श्री राधा नयना नंद राधा जी द्वारा सुरमा लगा देने से ब्रजवासी जन उन्हें सुरमे वाला बाबा कहते थे और उस सतन का नाम पड़ गया सुरमा कुंज। जो भक्तजन महान वैष्णव मुकंदा के पवित्र चरित्र को सुनता है, जिस तरह भगवान ने मुकंदा पर कृपा करी और श्रीमती राधा रानी ने, इस इतना भगवान हम भक्तों पर भी कृपा करेंगे, दया करेंगे। धन दौलत तो नहीं, आपके हृदय को सुकून देंगे, आपको बुद्धि देंगे और आपको अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। तो प्यारे भक्तों सजनों, मैं तो मूढ़ अज्ञानी हूं, किशोरदास तो मेरा नाम, पर मैं आप सबका दास हूं। तो किसी भी प्रकार की कोई भूल चूक हो जाए तो प्यारे भक्तों वैष्णव जनों, मैं अपराधी हूं, मुझे क्षमा करना। जय श्री राधे, जय जय श्री नवमीकुट धाम और जय जय श्री श्री राधा राधा कांतम भगवान की जय। हरे कृष्णा।